हे hey भाई लोग, कैसे हो सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग तो बहुत ही बढ़िया होंगे। तो फाइनली आज हमारे पास इन्फिनिक्स का इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 HD स्मार्टफोन आ चुका है और आ ही गया है। तो चलो आज इस वीडियो के अंदर हम इस स्मार्टफोन का एक क्विक अनबॉक्सिंग के साथ कंप्लीट फ्री फायर गेमिंग टेस्ट को देखते हैं। फ्लिपकार्ट के ऊपर तो अभी इस स्मार्टफोन का एक ही वेरियंट 3GB RAM 64GB स्टोरेज का प्राइस है 6,300 रुपीज, लेकिन आफ्टर बैंक ऑफर ये स्मार्टफोन आप लोगों को अंडर 6,000 पर मिल जाएगा। तो आज हम इस स्मार्टफोन को अंडर 6,000 के हिसाब से चार्ज करने वाले हैं और अगर वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक देखोगे तो आप लोगों का सारा डाउट आज इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगा कि इस स्मार्टफोन को अंडर 6,000 के हिसाब से गेमिंग या नॉर्मल मल्टीटास्किंग के लिए लेना चाहिए या नहीं। तो चलो भाई लोग, सबसे पहले इस स्मार्टफोन का कुछ हाईलाइटेड स्पेसिफिकेशन को देख लेते हैं। इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 HD स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा 6.6 इंच का एक HD+90Hz LCD डिस्प्ले। गेमिंग के लिए प्रोसेसर है इनविशक T606, एक 4G चिपसेट है। इस स्मार्टफोन का एक ही वेरिएंट है 3GB RAM 64GB स्टोरेज, जिसका प्राइस है फ्लिपकार्ट के ऊपर 6,300 रुपीज। यहाँ पर रियर साइड के ऊपर डुअल कैमरा का सेटअप है, 13MP+2MP। फ्रंट कैमरा है 8MP। 5000mAh का एक मैसिव बैटरी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा विथ 10W इन बॉक्स चार्जर। तो हाईलाइटेड स्पेसिफिकेशन के बाद अभी चलो एक क्विक अनबॉक्सिंग को देख लेते हैं। तो बॉक्स ओपन करने के बाद सबसे पहले देखने के लिए मिल जाएगा हमारा डिवाइस इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 HD, जो प्राइस की सबसे भाई बहुत ही खूबसूरत है। नेक्स्ट बॉक्स के अंदर है एक टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल, एक सिम इजेक्टर पिन और एक 10W का एडाप्टर। इसके अलावा इस बॉक्स के अंदर है एक हार्ड क्वालिटी का टीपीयू केस। ये काफी अच्छी बात है कि इन्फिनिक्स ने अंडर 6,000 पर भी टीपीयू केस प्रोवाइड किया है। और उसके साथ ही इन्फिनिक्स की तरफ से कुछ यूजर मैनुअल्स पेपर, मतलब लव लेटर देखने के लिए मिल जाएगा। तो क्विक अनबॉक्सिंग के बाद अभी चलो फोन को फटाफट सेटअप करके सीधा गेम की तरफ चलते हैं। तो गाइस, गेम के अंदर आने के बाद गेम का ग्राफिक्स और सेंसिटिविटी की बात करें तो सेटिंग्स के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हो मेरा जनरल सेंसिटिविटी 100 और रेड डॉट भी 100 है। नेक्स्ट ग्राफिक्स की बात करें तो डिस्प्ले के ऊपर जाने के बाद देख सकते हो ग्राफिक्स में अल्ट्रा के ऊपर खेल रहा हूँ और हाई FPS हाई डेस यहाँ पर नॉर्मल है। और गाइस, मैंने यहाँ पर मैक्स ग्राफिक्स को सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि जाहिर सी बात है अंडर 6,000 का स्मार्टफोन है, तो मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर आप लोगों को अच्छा खासा लाइक देखने के लिए मिल जाएगा। सो चलो अब यह अल्ट्रा ग्राफिक्स के ऊपर सबसे पहले कुछ क्लैश स्क्वाड और सोलो वर्सेस स्क्वाड फुल मैप रैंक मैच का गेम प्ले देखते, उसके बाद इस स्मार्टफोन के बारे में सब कुछ क्लियर करके आप लोगों को बोलता हूँ। First blood. Legends double kill. The never moves slow when everything's cold and fighting. Triple kill. First blood. Double kill. First blood. आप लोगों ने तो अल्ट्रा ग्राफिक्स के ऊपर क्लैश स्क्वाड मैच का कुछ गेम प्ले यहाँ पर देख लिया। अभी चलो अल्ट्रा ग्राफिक्स के ऊपर ही सोलो वर्सेस स्क्वाड फुल मैप रैंक मैच का भी कुछ गेम प्ले को देखते हैं।
ऑल राइट गाइस, आप लोगों ने तो अल्ट्रा ग्राफिक्स के ऊपर सीएस और सोलो वर्सेस स्क्वाड फुल मैप रैंक मैच का कुछ गेम प्ले यहाँ पर देख लिया। तो अभी इस स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस को लेकर कुछ जानकारी आप लोगों को देते हैं। सबसे पहले अल्ट्रा ग्राफिक्स के ऊपर सीएस मैच की बात करें तो इस स्मार्टफोन के अंदर जो प्रोसेसर है इन्फिनिक्स T606, ये एक गेमिंग प्रोसेसर तो नहीं है लेकिन जिस प्राइस रेंज पर मिल रहा है अंडर 6000 के सबसे काफी पावरफुल चिपसेट बोल सकते हो, क्योंकि इसका एंटीटू बेंचमार्क स्कोर 250,000 के करीब देखने को मिलता है जो अंडर 6000 के सबसे काफी बढ़िया एंटीटू बेंचमार्क स्कोर बोल सकते हो। तो आप लोग अल्ट्रा ग्राफिक्स के ऊपर सीएस मैच को खेल सकते हो लेकिन कभी कभी हल्का फुल्का फ्रेम ड्रॉप्स देखने के लिए मिल जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा सीएस मैच को स्टैंडर्ड ग्राफिक्स के ऊपर खेलना, आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए स्मूथ एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और गाइस अल्ट्रा ग्राफिक्स के ऊपर फुल मैप रैंक मैच की बात करते हो, फुल मैप रैंक मैच के अंदर कभी कभी अच्छा खासा लैग और फ्रेम ड्रॉप्स आप लोगों को नोटिस हो जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा प्राइस को कंसीडर करते हुए आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए फुल मैप रैंक मैच को स्मूथ ग्राफिक्स के ऊपर खेलना, अब लोगों को ठीक ठाक गेमिंग एक्सपीरियंस मिल जाएगा। तो गाइस गेमिंग परफॉर्मेंस के बाद अभी सेंसिटिविटी की बात करते हो, इस स्मार्टफोन के अंदर अब लोगों को 90 हर्ट्ज का एक एलसीडी पैनल देखने के लिए मिल जाएगा और 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होने की वजह से स्मूथनेस का कमी नहीं है भाई, 6000 के हिसाब से इससे बेहतर स्मूथनेस आप लोगों को किसी भी स्मार्टफोन के अंदर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट गाइस बैटरी परफॉर्मेंस की बात करते हो, इस स्मार्टफोन के अंदर 5000 एमएच का एक मैसिव बैटरी तो है, तो बैटरी परफॉर्मेंस ठीक ठाक मिल जाएगा लेकिन बॉक्स के अंदर सिर्फ 10 वाट का चार्जर है और 6000 प्राइस रेंज को कंसीडर करते हुए 10 वाट चार्जर ठीक ठाक ही बोल सकते हो। बैटरी परफॉर्मेंस के बाद नेक्स्ट कैमरा परफॉर्मेंस की बात करते हो, इस स्मार्टफोन के अंदर रियर साइड के ऊपर मेन सेंसर है 13 MP का और फ्रंट कैमरा है 8 MP का। तो गाइस कैमरे के मामले में 6000 पर जो सारे स्मार्टफोन है उससे तो मेरे को इस स्मार्टफोन का कैमरा थोड़ा सा बेटर ही लगा है। इसके अलावा गाइस इस स्मार्टफोन के अंदर 3.5 mm ऑडियो जैक, डुअल 4G मैजिक रिंग, ट्रिपल कार्ड स्लॉट जैसे बहुत सारे हेल्पफुल फीचर्स देखने के लिए मिल जाएगा। सो गाइस ये था इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 HD स्मार्टफोन का कुछ हाइलाइटेड स्पेसिफिकेशन और कुछ फ्री फायर गेम प्ले। अभी आते हैं कंक्लूजन पर कि 6000 के हिसाब से इस स्मार्टफोन को गेमिंग या नॉर्मल डे टू डे मल्टीटास्किंग के लिए परचेस करना सही रहेगा या नहीं। तो गाइस देखो अभी के टाइम पर अंडर 6000 के हिसाब से इससे बेहतर स्मार्टफोन तो आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा और 6000 के हिसाब से इस स्मार्टफोन का कैमरा, डिस्प्ले, बैटरी, परफॉर्मेंस सब कुछ अच्छा है। तो आंख बंद करके आप लोग इस स्मार्टफोन को ले सकते हो, नॉर्मल गेमिंग तो हो जाएगा उसके साथ मल्टीटास्किंग के लिए यह स्मार्टफोन काफी स्मूथ है। सो गाइस आज के वीडियो पर तो इतना ही, अगर भाई का वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो भाई के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो मिलते हैं और नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक ले गाइस बाय बाय।